Hey guys, welcome back to our channel. कैसे हैं आप सब? I hope सब बढ़िया होंगे. और अभी हो रहे हैं शाम के 6:30 और इस टाइम हम हैं अपनी हाउस की छत पर. यस, टेरेस पे हम लोग. लोग आसपास पतंग वतंग उड़ा रहे हैं. मेरी वाइफ अपनी बेटी नाइशो के साथ. अपनी बेटी नाइशो के साथ? मतलब हमारी बेटी नाइशो के साथ एंजॉय कर रही है और मैं यहाँ पर छत में हूँ. और छत का नज़ारा कुछ देख सकते हो आप. पीछे हमारे कई सारे घर आप देख सकते हो हैं. वो सामने आपको नज़र आ रहा होगा, वो यहाँ का पार्क है. मतलब अगर आप शाम को जाओ तो वहाँ पर पार्क में जाके अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हो. पर क्योंकि अभी कोरोना की रिस्ट्रिक्शन है तो वहाँ पर जाना अभी एंट्री नहीं है. अभी एंट्री पार्क बहुत बड़ा है. तो गाइस, ये हमारी नाइशो बैठी है यहाँ पे. मम्मी के साथ मस्ती कर रही है. बहुत एंजॉय करके फर्स्ट टाइम आई है ये. फर्स्ट टाइम टेरेस में आई है. टेरेस पे वो नीचे तो आ चुकी है, यहाँ नहीं आई. यहाँ नहीं आई तो हमने कहा चलो आज इसको टेरेस पे घुमाते हैं. और ये काफी ज्यादा मस्ती कर रही है अपनी मम्मी के साथ. एंड ये कुछ छत का नजारा है, आप देख सकते हो. सामने पहले वहाँ पेड़ हुआ करते थे, वो इन लोगों ने काट दिया. आई डोंट नो, मे भी कुछ और बना रहे होंगे. और यहाँ सामने आप देख सकते हो, आपको पार्क नजर आ रहा होगा. थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ अगर होता तो. हाँ, थोड़ा सा देखो आप. ये देखो पार्क में अभी भी लोग थोड़े बहुत टहल रहे हैं, पर जनरली लोगों का जाना अभी अलाउड नहीं है. अभी देख सकते हो, ये अभी आप देख सकते हो 2-3 बच्चे होंगे वहाँ पर, ज़्यादा नहीं है. और यहाँ पर ये पतंगबाजी हो रही है. अगर मैं आपको थोड़ा सा फोकस करके दिखाता हूँ अगर ये हो. हाँ, आप देख सकते हो ये पतंगबाजी. लोग पेचे वगैरह लड़ा रहे हैं, हम भी बचपन में कभी लड़ाई करते थे. ये देखो. और यहाँ पर नाइशो मम्मी के साथ घूमी करते हुए. सो गाइस, देखिए अंकल और नाइशो बैठे हैं नीचे बिकॉज अंकल को ले लेके घूम रहा था. अंकल थक गया और मज़ा आ गया आज. लेकिन गर्मी है, लेकिन इतने भी गर्मी नहीं है. गर्मी है मतलब मज़ा आ रहा है. गर्मी है लेकिन यह कि ताज़ी हवा आपको मिल रही होती है तो फ्रेश एयर बच्चे को भी मिलनी चाहिए. बच्चे मिलने चाहिए. और इससे क्या होता है, बच्चे की ब्रीदिंग पावर भी इम्प्रूव होती है. तो अगर आपका भी छोटा बच्चा तो आप भी उसको. और बच्चे को ना ऐसे एनवायरमेंट की हैबिट होनी चाहिए. देखो इसको नाइशो. गाइस, नाइशो ने मेरे ऊपर सुसु कर दिया है. क्या कितना नाइशो है, क्या कितना है, क्या कितना. पर मुझे अच्छा लगता है, मैं इसको ऐसे प्रसाद मान लेता हूँ अपनी बेटी नाइशो का. है ना नाइशो, है ना. कोई बात नहीं, सुसु कर दिया तो क्या हुआ, हम चेक चेंज कर देंगे. The next day. तो गाइस, अभी मैं आया हूँ मॉर्निंग वॉक के लिए. एक्चुअली यहाँ पर मैं काफ़ी टाइम बाद आ रहा हूँ. ऑलमोस्ट 2 ईयर्स हो चुके हैं. एंड मैं सोचा चलो यार अब से फिर से वॉकिंग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फैट निकल चुका है मेरा. एंड मेरे ऑपरेशन को भी 6 मंथ से ज़्यादा हो चुके हैं. तो मैंने कहा चलो अब से मॉर्निंग वॉक स्टार्ट करते हैं. और इस टाइम इतना बड़ा ज़बरदस्त मौसम हो रहा है और ताज़ी हवा लेने का अपना ही अलग मज़ा है. तो गाइस, सीन ऐसा है कि उस पार्क में तो मुझे वॉकिंग करने दी नहीं उन लोगों ने, बिकॉज़ वहाँ पर कोरोना करके वो वाला पार्क मना किया हुआ है. तो फिलहाल मैं अपने पुराने अड्डे की तरफ निकल चुका हूँ, जहाँ मैं पहले वॉकिंग करने के लिए जाया करता था, ग्रीन बेल्ट की तरफ. एंड काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है यार. मतलब ऑलमोस्ट 2 ईयर्स के बाद मैं मॉर्निंग वॉक कर रहा हूँ, तो इससे ज़्यादा खुशी की बात कोई हो नहीं सकती. क्योंकि आप जब जागो तब सवेरा होता है. और अब मैंने सोच लिया है कि अब से मैं डेली दोबारा से मॉर्निंग वॉक करा करूँगा और अपनी फिटनेस दोबारा पाऊँगा. तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं इस टाइम सारे मॉर्निंग वॉक वगैरह कर रहे हैं. एंड ये भी काफ़ी सही जगह है मॉर्निंग वॉक करने के लिए. ये है एक्चुअली सेक्टर 9 का रास्ता है यहाँ से. एंड यहाँ पर भी सारे सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं. तो गाइस, अभी जो आप देख रहे हैं ये है करण पैलेस का ग्राउंड. यहाँ पर मैं भी क्रिकेट खेलने आया करता था और इस टाइम बच्चे भी क्रिकेट खेलने. हुआ यार, बचपन की याद ताजा हो गई. मेरे तो आज मज़ा आ गया भाई. 2 मिनट का ब्रेक लिया. मैं उस पार्क में आया हूँ जहाँ मैं बचपन में आया करता था. एंड 2 मिनट के ब्रेक लेने के बाद मैं फिर घर जाऊँगा. यह कुछ यहाँ के पार्क का नज़ारा आप देख सकते हो. हर कोई बंदा अपनी एक्सरसाइज वगैरह कर रहा है, एक्सरसाइज वॉकिंग वगैरह कर रहा है. एंड काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी है यहाँ पर और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है यहाँ पर आकर. अभी यार बहुत ही एक अजीब बात हुई. अभी मैं थोड़ी देर पहले जब मैं मॉर्निंग वॉक कर रहा था तो अपनी एक फ्रेंड रितिका से मिला, जो कि मुझे ऑलमोस्ट 10 ईयर्स के बाद मिली. और मुझे उससे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा. पर उसने भी कह दिया कि यार मैं काफ़ी ज़्यादा फैल चुका हूँ. तो यार ठीक है, मेरे 2-2 ऑपरेशन हुए तो उसके बाद थोड़ा फैल गया हूँ. लेकिन अब मेरी
पूरी मतलब इंटेंशन रही कि मैं ठीक हो जाऊँ जल्दी से जल्दी और प्रॉपर फिटनेस के साथ आपको जल्दी मिलूँ। गाइस अब टाइम आ चुका है वापस घर जाने का, बिकॉज मुझे अब घर जाके रेडी भी होना है ऑफिस के लिए। पर यार मुझे आज बहुत ज़्यादा मज़ा आया, मतलब ऑलमोस्ट 2 ईयर्स के बाद मैंने मॉर्निंग वॉक करी एंड सरप्राइजिंगली अपने एक फ्रेंड से ही मिला, तो काफ़ी अच्छा लगा यार आज यहाँ आकर। एंड अब मेरी कोशिश रहेगी कि यार मैं रोज़ मॉर्निंग वॉक करूँ, रोज़ ताज़ी हवा खाऊँ और जल्दी से जल्दी अपनी फ़िटनेस को अटेन करूँ, क्योंकि अब मुझे काफ़ी टाइम भी हो गया, आई थिंक 6 मंथ्स मुझे हो गए हैं ऑपरेशन कराए बगैर। एंड अगर मैं अब मॉर्निंग वॉक नहीं करूँगा तो मेरा फैट और बढ़ता जाएगा, फिर उसका फ़ायदा कुछ नहीं है, और मैं ऐसा बंदा हूँ जो बिल्कुल फ़िट रहना पसंद करता हूँ। तो अब इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ एंड नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको नेक्स्ट। हाँ एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया अभी, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने ट्रैवलिंग नहीं करी, तो मैं सोच रहा हूँ कि अब एक ट्रैवलिंग वीडियो बनाऊँ, तो जल्द ही एक ट्रैवलिंग वीडियो आपको देखने को मिलेगी। एंड बस आज के लिए इतना ही, एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एंड एज यूजुअल तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फिक्का। बाय बाय।